आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि एलडी सिटी के बारे में है। और व्यूअर्स, इसमें आफ्टर बैलेटिंग प्राइस के अंदर एक रैपिड इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। 5 मरला की प्राइस 26-27 टू 70 और 75 के अराउंड अबाउट इसकी फ्लक्चुएट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जाजिब रज़ा एंड आई एम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि एलडी सिटी के बारे में है। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते चलें तो ये मेन फिरोजपुर रोड पर गजुमत्ता मेट्रो बस इंटरचेंज से 5 से 6 मिनट्स की ड्राइव पर है। और इसको आप हुंजराब रोड, चिनाब रोड, नीलम रोड, इससे भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा रिंग रोड, कानानू और एलडीए इंटरचेंज से भी इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसमें अभी रिसेंटली 4 सितंबर को बैलेटिंग कंप्लीट हुई है, जिसमें थर्ड फेज़ बैलेटिंग का कंप्लीट किया गया है। और इसमें जिना सेक्टर के साथ साथ इकबाल सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि एलडीए ने इकबाल सेक्टर की कम्प्लीट लैंड को फुली एक्वायर कर लिया था, और जिसके बाद इसमें थर्ड फेज़ बैलेटिंग का कम्प्लीट हो चुका है। और जिसमें जिन लोगों की आईडी लोकेशन या कमर्शियल अच्छी लोकेशंस पे जिन जिन लोगों के बैलेटिंग में प्लॉट्स निकले, उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद। और व्यूअर्स, इसमें आफ्टर बैलेटिंग प्राइस के अंदर एक रैपिड इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। और इसमें जिन लोगों ने 6 से 7 मंथ्स या 1 ईयर अगो इसमें फाइल्स परचेज की थी ऑलरेडी, उनको एक अच्छा हेल्थी बेनिफिट्स मिल चुके हैं अराउंड 10 से 40 लैक्स के लगभग। और व्यूअर्स, इसमें अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ प्लॉट्स के हवाले से, तो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल के जो इसमें साइज़ हैं, इसमें 5 मरला की प्राइजेस 26-27 टू 70 और 75 के अराउंड अबाउट इसकी फ्लक्चुएट कर रही हैं। इसमें हम एक्यूरेट कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते प्राइस की, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्राइजेस में देखने में नज़र आ रही है। सो व्यूअर्स, इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत भी अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका हुआ है, जिसके उसके अलावा कमर्शियल्स में इसमें कमर्शियल्स भी लॉन्च किए जा चुके हुए हैं, जिसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हुई हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर थी। और उसके अलावा इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता चलूँ, तो ये मैं तमाम इन्वेस्टर्स ऑल ओवर पाकिस्तान मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसमें मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम रिटर्न चाह रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इसको रेजिडेंस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एटलीस्ट 4 से 5 ईयर्स का होल्डिंग पावर भी रिक्वायर्ड है। सो व्यूअर्स, अगर आप इस प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में सेलिंग एंड बाइंग करना चाह रहे हैं या असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, या आपको किसी भी किस्म की कोई भी आपकी क्यूरी या मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और मेरा ये सेम नंबर व्हाट्सएप और ईमो पर भी अवेलेबल है, स्पेशली फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।